टोटल बॉडी में क्या हो गया? इसकी टोटल बॉडी काम नहीं कर रही, खराब है, नई डालनी पड़ेगी। एचएफ डिलक्स की टोटल बॉडी है ना ये? हाँ, एचएफ डिलक्स की है ये टोटल बॉडी। ठीक है, इसको लेके आओ नई और मैच करके लेके आना। ठीक है ठीक है। कहाँ चले गए भाई? अरे भाई एकदम से कहाँ से निकल के आ गए एकदम? भाई हम बस जब पार्ट्स की बात आते तो कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं, आप बोलो तो आपके फोन में आ जाएंगे भाई हम। नहीं बस ये चाहिए टोटल बॉडी। आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है एआरबी अनबॉक्सिंग को, अपने यूट्यूब पे जाइए फटाफट से, हमें सब्सक्राइब करिए एआरबी अनबॉक्सिंग। ठीक है तो ये भाई ये तो टोटल बॉडी है यार। हाँ एचएफ डीलक्स की टोटल बॉडी। एचएफ डीलक्स नहीं चाहिए। ठीक है भाई मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी, अभी दे देते हैं, दो मिनट दीजिए हमको बस। ये लीजिए भाई एच एफ डीलक्स की टोटल बॉडी। और कोई सेवा बताइए भाई जी? बस अभी तो फिलहाल यही चाहिए। ये थोड़ा फाड़ के दिखा दीजिए। ये तो अलग है भाई, इसका तो कलर अलग है, देखना। बाकी सब तो सेम है, कलर बस कलर अलग है। कोई नहीं, हम चेक कर लेते हैं अपने लेवल पे एक बार। सेम है भाई, यही लगेगी। भाई ये नहीं लगेगी, ये गलत अलग है, ये दिक्कत करेगी। लग जाएगी। पिछली बार भी मैं ले गया था ना, इसको लगाया था एचएफ डीलक्स गाड़ी के लिए। अच्छा। तो सेल्फ की दिक्कत आ रही, सेल्फ नहीं लग रहा था सिर्फ कलर की वजह से। हाँ मतलब थ्रोटल बॉडी सेम थी पर सेल्फ। हाँ हाँ बस। अच्छा कहीं ना कहीं गलती रही होगी, ये लग जाएगी। लेकिन ये अलग है ना बिल्कुल, इसमें भी सेम दिक्कत आएगी। तो भाई ऐसा क्या है जो इतना परेशान हो रहा है ये मैकेनिक? मतलब एक थ्रोटल बॉडी को पहचानने के लिए इतना परेशान होना? भाई देखो आज हम आपको बताएंगे कि बहुत ही आसानी से कैसे पहचाने कि आपकी गाड़ी के अंदर कौन सी थ्रोटल बॉडी लगेगी। अब भाई ये परेशान इसलिए हो रहा है क्योंकि सिर्फ हीरो की एच एफ डीलक्स बी एस सिक्स के अंदर टोटल 16 मॉडल की थ्रोटल बॉडी आती है। 16 मॉडल आप इमेजिन कर सकते हैं, 16 मॉडल आते हैं, मतलब गाड़ी एक ही है लगेगी, 16 मॉडल की टोटल बॉडी है इसके लिए बनाई गई है कंपनी ने। और मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूं, देख लो आप। अब भाई बात आते करते हैं कि कैसे पहचाने। इस मैकेनिक ने बोला हमसे कि मेरे को कलर वालर सब मैच करो भाई, कलर अलग है, कलर अलग है, ये कलर तो लगेगा नहीं। ऐसा नहीं है भाई कि आप कलर मैच करके या बॉडी के डिज़ाइन को मैच करके लगाओगे तो ही सेम लगेगी। अगर आप इस पे चलोगे कि आपको थ्रोटल बॉडी सिर्फ डिज़ाइन से मैच करनी है, कलर से मैच करनी है और पार्ट नंबर उससे कोई मतलब नहीं है, तो भी आपकी गाड़ी में कभी भी थ्रोटल बॉडी सेट नहीं होगी। क्योंकि एच एफ डीलक्स के अंदर जैसा कि मैंने बताया 16 मॉडल की थ्रोटल बॉडी आती है टोटल। अगर 16 मॉडल उसमें कंपनी ने बनाए गए हैं तो कुछ मॉडल ऐसे हैं जो दिखते भी सेम होंगे, कलर भी सेम होगा, उसके बावजूद भी आपकी गाड़ी में वो सेट नहीं होंगे। तो इसलिए हमने आपको सिंपल सा फंडा बताया है कि अगर आपको अपनी गाड़ी के लिए स्पेशली जब गाड़ी एच एफ डीलक्स हो वो भी बी एस सिक्स, तो आपको उसमें थ्रोटल बॉडी अगर आपको खरीदनी है तो आपको कलर या डिज़ाइन पे ना जाके, डिज़ाइन तो देखो ऑब्वियसली यार मैच करना ही पड़ेगा क्योंकि डिज़ाइन सेम नहीं होगा तो फिटिंग भी नहीं बैठेगी। डिज़ाइन के साथ साथ आपको कलर नहीं देखना है, आपको फिटिंग देखनी है कि फिटिंग सेम है या नहीं है। दूसरी बात, उसका पार्ट नंबर जो पुरानी थ्रोटल बॉडी के ऊपर पार्ट नंबर लिखा हुआ है वो पार्ट नंबर नई थ्रोटल बॉडी से मैच करता है या नहीं करता। कभी कभी होता क्या है कि थ्रोटल बॉडी के पुराने पार्ट नंबर से नई थ्रोटल बॉडी के कुछ पार्ट नंबर मैच कर जाता है। जैसे इस वाली थ्रोटल बॉडी पे आपको तीन पार्ट नंबर दिखाता हूँ, अभी अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी, दिखाएंगे आपको पूरी डिटेल दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। कोई कोई मैकेनिक सिर्फ थ्रोटल बॉडी के ऊपर लिखे हुए सिर्फ एक पार्ट नंबर को मैच करता है जो सबसे ऊपर होता है, और पुरानी से भी एक को मैच कर लेता है और बाकी के दो पार्ट नंबर मिसमैच हो जाते हैं, लेकिन वो सोचता है कि नहीं यार एक तो पूरा प्रॉपर मैच हो रहा है तो शायद ये सही थ्रोटल बॉडी इसी की है और लग जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पर आपने अगर एक पार्ट नंबर मैच कर ले और दूसरा मिसमैच हो गया तो भी नहीं लगेगा। तो भाई ज़्यादा बातें नहीं करते, सीधा आपको अनबॉक्सिंग करते हैं और दोनों थ्रोटल बॉडी की पुरानी भी दिखाते हैं और क्या डिफरेंस है, क्या पार्ट नंबर है ये भी दिखाते हैं और मिलते हैं आपसे अनबॉक्सिंग के बाद। तो ये है हमारा सबसे पहले पुरानी थ्रोटल बॉडी। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो यहां पर ये पार्ट जो है वो येलो कलर का है, और अगर आओगे आप यहां पर तो ये इसका पार्ट नंबर है। पार्ट नंबर देख लेते हैं, पार्ट नंबर है इसका 16। ये पुरानी वाली थ्रोटल बॉडी देख रहे हैं हम,
16400ACK0000ACKA। और यहाँ पे एक और पार्ट नंबर है उसके नीचे, वो है 8110410101। अब एक और पार्ट नंबर नीचे दिया हुआ है QR कोड के साथ, वो है NC02ACKABS60MPV4। ये पार्ट नंबर टोटल बॉडी का है। अच्छा, मैटर नहीं करता कि कलर क्या है, पार्ट नंबर मैटर करता है, मेन है पार्ट नंबर। इसी पार्ट नंबर से जो सबसे ऊपर वाला पार्ट नंबर है ये तो मैच होना ही चाहिए, इसके अलावा दोनों पार्ट नंबर भी मैच होने चाहिए। अब हम टोटल बॉडी के बॉक्स पे देखते हैं कौन सा पार्ट नंबर है। यहां पर है पार्ट नंबर 16400ACK000S, और यहां पर भी हमने वही देखा था 16400ACK000। ये पार्ट नंबर देख लिया हमने, यहां पर बॉक्स पे MRP वगैरह देख ही लेते हैं। MRP है इसकी 6580 रुपए इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। हीरो जेन्युइन है, यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है। यहाँ पर आपको फोर जेन्युइन चेक करने, मतलब ये चेक करना है अगर कि ये जेन्युइन ही है या फेक वगैरह तो नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है। यहाँ पे एक UPI कोड दिया हुआ है जिसे आप इस नंबर पे भेजेंगे तो आपको वेरीफाई हो जाएगा, एक हीरो की तरफ से मैसेज आएगा कि ये जो पार्ट आपके पास है वो जेन्युइन है या फिर फेक है। तो इस बॉक्स को साइड करते हैं। अब आते हैं हमारा नई थ्रॉटल बॉडी पे, नई थ्रॉटल बॉडी देख लेते हैं। पहले तो चेक करेंगे डिटो सेम है, यहां से भी सेम हो रही है, मैच कर लेंगे, बिल्कुल सेम है। इसके बाद यहां से भी सेम है, यहां से भी सेम है, QR कोड यहाँ भी है, यहाँ भी है, उसके अलावा यहाँ से भी सेम है, देख लिया आपने, ऊपर से भी सेम है। अब आते हैं यहाँ पे फर्क आ गया, देख रहे हैं क्या फर्क है। इसका कलर है पिंक शेड में, इसका है येलो शेड में। अब अगर इसका कलर का फर्क है ना, जैसा कि इस मैकेनिक ने बोला कि ये सेल्फ नहीं लगेगा या कोई और दिक्कत होगी या सेट नहीं होगी, तो अब हम आएंगे पार्ट नंबर पे। क्योंकि अगर देखो कलर से कोई फर्क नहीं होता, मुझे नहीं लगता कलर से कोई फर्क होना चाहिए और आपको भी नहीं लगना चाहिए, कलर का तो कोई मैटर ही नहीं करता। फिटिंग सेम होनी चाहिए और फिटिंग के साथ साथ इसके जो कपलर है, कपलर सेम होने चाहिए, अंदर के कपलर पिन देख लीजिए, पिन और कपलर ये सेम होना चाहिए दोनों का। उसके अलावा यहाँ पे जो कोड होगा ना, मेन है वो कोड सेम होना चाहिए, यहाँ पर जो कोड है वो दिया हुआ है। तो हम इस कोड को इस कोड से मिलाते हैं, अगर सेम है या नहीं अभी पता लग जाएगा मैं, ठीक है। तो यहां पर है 16, नई वाली थ्रॉटल बॉडी पे मैच करते हैं पहले 16400ACK4x0, और पुरानी वाली पे भी 16400ACK4x0 ACKA यहां पर, ये मैच हो गया ऊपर वाला। अब आते हैं दूसरे कोड पे, दूसरा है 8 नई वाली थ्रॉटल बॉडी पे 8110410101, ये भी मैच हो गया। आप नीचे वाले पे NC02ACKABS60MPV4, और यहाँ भी NC02ACKABS60MPV4, तो ये दोनों पूरा सेम है। भाई अगर ये चिट वाला जो पार्ट नंबर है वो प्रॉपर तीनों पार्ट नंबर सेम है ना, तो समझ लो कि थ्रॉटल बॉडी यही लगेगी, फिर मैटर नहीं करता कि कलर पिंक है या येलो है। क्योंकि अगर कलर का फर्क है और उसके साथ साथ ये जो पार्ट नंबर है यहां पर तीन कोड के साथ दिया हुआ है, इस कोड में अगर हल्का सा भी एक भी अंक का फर्क होगा ना, तो मजा आ लगेगी, थ्रॉटल बॉडी आपकी गाड़ी में सेट हो जाए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी आएगी, वो सेट होगी ही नहीं। क्योंकि कंपनी ने 16 थ्रॉटल बॉडी के मॉडल बनाए हुए हैं और 16 के जो 16 कोड है 16 थ्रॉटल बॉडी पे पार्ट नंबर पे, वो सबके सब अलग है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको पार्ट नंबर में कोड में 0 का या 1 का या कोई ना कोई फर्क मिलेगा ही मिलेगा 16 की 16 थ्रॉटल बॉडी में। तो यहाँ पर ये जो सिंपल सा फंडा है पहचानने का, बहुत ही इजी फंडा है, इससे आप पहचान सकते हैं थ्रॉटल बॉडी को कि ये थ्रॉटल बॉडी आपकी गाड़ी में सेट होगी या नहीं होगी। अगर आप कलर के हिसाब से मैच कर रहे हैं या थ्रॉटल बॉडी में आप पार्ट नंबर को भूल गए कि पार्ट नंबर मैच नहीं करना और इसे भी नहीं करना, और आप सोचोगे डिजाइन से मैच कर लेते हैं, अरे यार डिजाइन तो सेम है, यहां से भी सेम है, यहां से भी सेम है, और ये लग जाएगी मैच ओके, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि लगेगी। तो ये थी हमारी BS6 की थ्रॉटल बॉडी HF डीलक्स की। तो भाइयों, जैसा कि आपने देखा वीडियो में पूरी डिटेल में मैंने बताया आपको कि कैसे किस मॉडल के लिए कैसे पहचाने कि आपकी कौन सी आपके HF डीलक्स के इस मॉडल में कौन सी थ्रॉटल बॉडी लगेगी और आपको कैसे पहचाना है। सिंपल सा फंडा है। आशा करता हूं भाई वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास बिना किसी विलंब के पहुंचती रहे। बाकी आप लोगों ने अगर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फटाफट से जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी हमें फॉलो करिए। वहां हम रोज एक नई वीडियो डालते रहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती है, वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए अनबॉक्सिंग में, तब तक ले गुड बाय।